गाइज आपको ये जान के कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं आपकी जो फेवरेट सप्लीमेंट कंपनी है जिस कंपनी का आप प्रोटीन खा रहे हैं उसमें एक चीप फिलर पड़ा हुआ है, यानी कि अगर वो 25 ग्राम क्लेम करते हैं तो उसमें एक्चुअल प्रोटीन सिर्फ 15 ग्राम या 12 ग्राम होगा। सो गाइज आई एम गोना एक्सपोज सम ऑफ दिस ट्रूथ टुडे और कैसे आप बच सकते हैं इन घटिया कंपनियों से और कैसे अपने आप को आप एक असली और स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोटीन दे सकते हैं। कीप वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल बी राइट बैक। Hey guys, what's up? आप देख रहे हैं FitMuscle TV, मेरा नाम है गौरव। एनर्जी बहुत लो है, एनर्जी नहीं आ रही। This is my new supplement for energy. अभी मेरे धीरे धीरे एनर्जी आएगी। Hey guys, what's up? आप देख रहे हैं FitMuscle TV, मेरा नाम है गौरव और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कुछ सप्लीमेंट कंपनी चंद पैसों के लिए अपने प्रोटीन को मैनिपुलेट करती हैं। 25 ग्राम है, 30 ग्राम है, लेबल पे लिखा हुआ है बट अंदर आपको क्या उतना मिल रहा है नहीं मिल रहा है। कुछ कंपनी सीधा सीधा झूठ बोल देती है, जो चीप कंपनीज है जिनका प्रोटीन सस्ता होता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ आप हमेशा सस्ते सस्ते के चक्कर में जाएंगे, आपको सामान भी सस्ता मिलेगा। तो चीप कंपनीज है, चीप प्रोटीन है, आपको 30 ग्राम क्लेम करती है उसके अंदर 20 ग्राम होएगा, 15 ग्राम होएगा, 16 ग्राम होएगा, आपको नहीं पता उसके अंदर प्रोटीन है भी कि नहीं, कि क्या पड़ा हुआ है। और कुछ कंपनी तो झूठ बोलती, कुछ कंपनी लेकिन स्मार्ट हो गई है। स्मार्ट मतलब कि उनको पता है कि उनके ऊपर अगर लॉ सूट हो गया, उनके ऊपर केस हो गया, एक तो रेपुटेशन जाएगी, पूरी कंपनी बंद, एंड देन एक बार रेपुटेशन गई आप कभी भी उसका प्रोटीन नहीं खरीदेंगे। सो कंपनीज बहुत स्मार्ट हो रही हैं। व्हाट दे आर डूइंग इज उन्होंने एक तरीका निकाल लिया है कि जो लैब टेस्ट होते हैं, प्रोटीन टेस्टिंग होती है, इसको बाईपास कैसे करते हैं। सो दे आर गेटिंग सो स्मार्ट एंड उनको ये नहीं पता कि फिट मसल टीवी के व्यूअर्स भी उससे ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। सो गाइज व्हाट दीज कंपनीज आर डूइंग, दे आर डूइंग प्रोटीन स्पाइकिंग, मतलब अपने प्रोटीन में कुछ ऐसी चीजें ये लोग मिला देते हैं जिससे उनका प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लैब टेस्ट में ये पाया गया है कि प्रोटीन उनका जितना वो क्लेम करते हैं उतना ही आता है। तो कैसे करती है कंपनी और क्या होता है, ये बात करते हैं उसके बारे में। देखिए गाइस, प्रोटीन एक एक्सपेंसिव कंपाउंड है। प्रोटीन सबसे फूड्स में अगर ले, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सो प्रोटीन इज एक्सपेंसिव देन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो कंपनीज हमेशा ये चाहती हैं कि सामान कम डालें और पैसे ज्यादा मिलाएं। और गाइस अगर आप होते हैं कि कोई प्रोटीन अच्छा है, कोई प्रोटीन खराब है, उसको आप अपने ऊपर ट्राई करेंगे, पर बहुत लोग बोलते हैं भाई लैब टेस्ट करा लो, अगर लैब टेस्ट में आता है क्लियर है तो वो क्लियर है, आप उसमें लैब में जाइए, जो आपका टेस्ट आएगा करा लीजिए। बट लैब टेस्टिंग होती कैसे मैं आपको ये बताता हूँ। एक तो आपकी हो गई प्रोटीन टेस्टिंग, एक हो गई अमीनो एसिड टेस्टिंग। प्रोटीन टेस्टिंग जो होती है, जो बहुत लोग करवाते हैं लैब्स में जाके, प्रोटीन टेस्टिंग में नाइट्रोजन काउंट होता है कि नाइट्रोजन कंटेंट कितना है उस पाउडर का। उसको समझाने के लिए एक सेकेंड गाइस, ये देख रहे हैं आप, दिस इज अ सैंपल मॉलिक्यूल ऑफ अ अमीनो एसिड। तो गाइस इसमें क्या, जो ऊपर का ग्रुप है NH2, दिस ग्रुप जो कि डिटरमाइन करता है कितना नाइट्रोजन है इस कंपाउंड में। तो जो हम प्रोटीन टेस्टिंग करते हैं बेसिकली हम नाइट्रोजन टेस्ट कर रहे हैं। तो ये अमीनो एसिड है, इसमें ये नाइट्रोजन की मात्रा पता लगाएंगे और फिर इससे पता लगाएंगे कि इसमें कितना प्रोटीन है। सो गाइस ये कंपनीज क्या कर रही हैं, ये ऐसे ऐसे कंपाउंड जिन्होंने ढूंढ लिए हैं जिसमें कि ये नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है और उसको ये प्रोटीन में ऐड करती हैं। सो जब आप टेस्टिंग कराते हैं, लैब टेस्टिंग कराते हैं, तो नाइट्रोजन कंटेंट पूरा निकलता है उस पाउडर का और आपको क्लेम करके दिया जाता है कि हाँ इसमें 24 ग्राम या 25 ग्राम प्रोटीन है, बट ये आपको बेवकूफ बना रही है। मिसाल के तौर पर ये कंपनीज आजकल क्या कर रही है, ये टॉरीन ऐड कर रही है अपने पाउडर्स में, ग्लाइसिन ऐड कर रही है अपने पाउडर्स में, और ये क्रिएटिन भी ऐड कर रही है अपने पाउडर्स में। इसको और समझाने के लिए क्रिएटिन का फॉर्मूला दिखाता हूं आपको मैं। सो क्रिएटिन इज दिस एंड रेगुलर अमीनो एसिड इज दिस। सो मैंने आपको बताया था जो NH2 ग्रुप है, हम नाइट्रोजन टेस्ट में ये मेजर करते हैं, और इसमें भी देखिए ये NH2 ग्रुप यहां लगा हुआ है। सो क्रिएटिन इज ऑल्सो काउंटेड एज प्रोटीन। इससे बुरी बात क्या होगी, मेरे भगवान उठा ले मेरे को। एक बहुत ही फेमस कंपनी है जो अपने प्रोटीन में क्रिएटिन डालती है और वो क्लेम करती है कि उसका प्रोटीन 25 ग्राम है, 26 ग्राम है, मुझे नहीं पता कितना क्लेम करती है। सो वो क्रिएटिन को भी प्रोटीन के अंदर काउंट करते हैं, और ये जो सारे अमीनो एसिड जिसमें ये नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, दीज आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। मतलब कि इन अमीनो एसिड्स का मसल बिल्डिंग में कोई रोल नहीं है। क्रिएटिन की बात करें तो स्ट्रेंथ गेन में देता है, दिस इज नॉट काउंटेड एज प्रोटीन। सो आपकी जो प्रोटीन है जिसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं,
वो हमें चाहिए, वो हमारी बॉडी नहीं बना सकती। बाकी ये जो अमीनो एसिड्स हैं जो हमें कंपनीज दे रही हैं वो हमारी बॉडी ऑलरेडी खुद बना सकती है, तो व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट मनी ऑन दिस। सो गाइस बात करते हैं अब प्रोटीन टेस्टिंग की। अगर आप किसी लैब में जाते हैं, अच्छी लैब, सर्टिफाइड लैब जाते हैं, आप बोलेंगे भाई मेरे को प्रोटीन टेस्टिंग करानी है। प्रोटीन टेस्टिंग मतलब नाइट्रोजन टेस्टिंग। नाइट्रोजन टेस्टिंग के दाम आज की डेट में है, दिस इज द एवरेज प्राइस, 385 रुपीज। सस्ता है, कोई भी करा सकता है। तो आप गए अपना डब्बा लेके, आपके डब्बे में से 100 ग्राम का सैंपल वो ले लेंगे, उसमें आपको बताएंगे कितना नाइट्रोजन है। सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर उस कंपनी के पास अच्छी मार्केटिंग है, ऐसा कुछ अच्छा है, वो उसमें आपको नाइट्रोजन स्पाइक करके देंगे। अमीनो स्पाइकिंग बोलते हैं उसको, यानी कि टॉरीन, ग्लाइसिन, क्रिएटिन, एलेनाइन, ये सारे अमीनो एसिड्स डाल देंगे, जिससे उनका नाइट्रोजन करंट कंटेंट उतना ही आएगा जितना लेबल क्लेम करता है, बट दिस इज नॉट एक्चुअल प्रोटीन। सो 385 रुपीज आप स्पेंड करेंगे, आपको लैब रिपोर्ट आएगी, आप घर चलते बनेंगे, आप खुश हो जाएंगे, मेरा प्रोटीन सही है। बात आती दूसरी, ये है टॉरीन टेस्टिंग का दाम, 2750 टॉरीन टेस्टिंग। सो अगर आप टॉरीन टेस्ट कराते हैं तो उसका दाम इतना है, बट ये भी सेफ नहीं है बिकॉज कंपनीज कैन ऐड ग्लाइसिन ऑल्सो। अब आती है मेन बात, अमीनो एसिड प्रोफाइल टेस्टिंग, 30,000 रुपीज। कौन करवाएगा भाई 30,000 रुपीज का टेस्ट अपने प्रोटीन के लिए? 30,000 में मैं 6 डब्बे ले आऊं और साल भर चलेंगे मेरे? दिस टेस्ट इज सो एक्सपेंसिव, दैट्स वाई कंपनी को पता है कि ये टेस्ट कोई नहीं करवाएगा और आपके साथ खेल जाती है वो। सो गाइस अमीनो एसिड टेस्टिंग में क्या है, हर अमीनो एसिड की क्वांटिटी देखते हैं कितनी कितनी है। सो अगर किसी कंपनी ने अमीनो एसिड स्पाइक किया हुआ है ग्लाइसिन, टॉरीन, क्रिएटिन डाल के, तो उसमें आप पकड़ सकते हैं इसको। तो दिस इज द ओनली टेस्ट विच कैन गिव यू अ गारंटी कि आपका प्रोटीन में कितना प्रोटीन है, बाकी सब एक तरीके से आंख में धूल झोंकने वाली बात है। सो गाइस बात आती है अब हाउ टू फाइंड आउट कि आपके प्रोटीन में स्पाइकिंग हुई है कि नहीं। देखिए इजी वे, देयर इज नो इजी वे टू फाइंड आउट कि आपके प्रोटीन में स्पाइकिंग हुई है, अनलेस आप उसकी टेस्टिंग करवाते हैं अपने प्रोटीन अमीनो एसिड प्रोफाइलिंग। बट हाँ, 2-3 ऐसी चीजें हैं जिसे आप पकड़ सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो सिर्फ लिखती हैं प्रोटीन 25 ग्राम, प्रोटीन 28-30, दे डू नॉट मैंशन कि कौन सा अमीनो एसिड कितने रेशियो में प्रेजेंट है। बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो ये मेंशन करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको हर डब्बे में मेंशन करना है, अगर उनकी वेबसाइट पे एक जगह मेंशन है कि इस प्रोडक्ट में ये है अमीनो एसिड प्रोफाइल है, देन ऑल्सो इट इज ओके। नंबर टू, अगर आप देखेंगे उनके इंग्रीडियंट्स में नीचे टॉरीन मेंशन है, ग्लाइसिन मेंशन है, क्रिएटिन मेंशन है, या फिर एक सेकेंड, और दे हैव मेंशन बीटा एलेनाइन और बीटा नाइन, ये वाले कंपाउंड मेंशन है, इसका मतलब उन्होंने ये कंपाउंड यूज किए हैं नाइट्रोजन कंटेंट स्पाइक करने के लिए। सो गाइस जो उनका लेबल होता है, लेबल को ध्यान से पढ़िए, अदर इंग्रेडिएंट्स में उन्होंने जरूर ये लिखा होता है ग्लाइसिन, टॉरीन, बीटा एलेनिन, बीटा नाइन, अगर ये सब कंपाउंड मेंशन है, आई वुड सजेस्ट आप उस प्रोटीन से दूर ही रहिए। अदरवाइज इट्स प्रीटी मच आपकी ट्रस्ट के ऊपर आता फाइनली कि आप किस कंपनी में ट्रस्ट करते हैं, किसमें नहीं करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, होप यू आर हैविंग अ लवली संडे। वंस अगेन शुक्रिया आपका इतना प्यार देने के लिए, धन्यवाद। कोई भी चीज पसंद आती है उसको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है गाइस। सो अगर आपको पसंद आए सब्सक्राइब। Also guys, do not forget to log on to www.rockler.com and they have lovely apparel. अगर आपको चेस्ट में प्रॉब्लम है, आपके चेस्ट में स्ट्राइशंस नहीं आ रही, आपका चेस्ट इंगेज नहीं होता, सो आई हैव अ वंडरफुल वीडियो फॉर यू जो कि आपकी स्क्रीन पे होगा टॉप लेफ्ट में, राइट हेयर। एंड टू वॉच माई लेटेस्ट व्लॉग यू कैन क्लिक राइट हेयर बॉटम लेफ्ट ऑफ योर स्क्रीन। और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो बाप रे बाप क्या कर रहे हैं आप। नीचे बटन है फिट मसल टीवी का, इज अराउंड सब्सक्राइब फिट मसल टीवी, हिट दैट एंड एंजॉय योर संडे लाइक आई एम। थैंक यू, बाय बाय, वी आर गोइंग आउट नाउ। नमस्कार।